कह रहा है किसी की वेलोसिटी, तुमसे पूछ रहा हूं क्या कह रहा है, किसी की वेलोसिटी डैश आई कैप है प्लस डैश जे कैप, बताओ ये कैसा कैसा पाथ लेगा, कैसा पाथ है? नहीं, ये तो कॉन्स्टेंट चीज है ना, ये क्या है, जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, 2, 4, 5 मान लो, 2i कैप 4, बताओ कैसा पाथ, स्ट्रेट लाइन। ये सिंपल क्या कह रहा है, आई कैप में मेरी वेलोसिटी कितनी है 2, जे कैप में कितनी है, अगर तुम्हें कोई बोले मेरे पास एक वेक्टर 2 है, एक वेक्टर कितना है 4, बताओ इनका रिजल्टेंट ऐसे ही होगा ना, तो ये पाथ कैसा है, स्ट्रेट नहीं यार, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पास आई कैप में वेलोसिटी है और जे कैप, तो बताओ मैं कैसे चलूंगा, ऐसे मतलब स्ट्रेट लाइन चलूंगा, देख एक पर बैठकर अगर दूसरे को देखे, मतलब एक के रिस्पेक्ट में किसको देखे, दूसरे को, जबकि दोनों कैसा मोशन कर रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन, बट बताओ एक पर बैठकर हम अगर दूसरे को देख रहे हैं तो कैसा मोशन दिखेगा, एक का स्ट्रेट लाइन, ब्यूटीफुल कंसेप्ट, और यही कंसेप्ट को भी हम आगे यूज करेंगे। देखिए लेक्चर 13 और आज का क्या टारगेट है, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, लेकिन रिलेटिव मोशन आज किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन 1D में ही कर लिया था, याद है क्या, ऊपर से एक बॉल को छोड़ा था और नीचे से एक बॉल को फेंकते थे, कितने टाइम बाद दोनों बॉल क्या करेंगे, एक दूसरे से मीट करेंगे, ये सब हमने सवाल वहीं कर लिए थे, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेटिव मोशन देखेंगे, मतलब कितने प्रोजेक्टाइल हो रहे होंगे, 2, और किसी एक पर बैठकर किसको देखोगे, दूसरे को, और उस पर वैरायटी को क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स, उसके बाद रिवर स्विमर या रिवर बोट प्रॉब्लम, आप जो बोल दो, दोनों ही क्या है, सेम। फिर इस पर बेस हम क्या देखेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है क्या भैया, ये एसी चलता है, फैन का ऑन कर दे तो फैन बंद करो, सारे लेक्चर रिकॉर्ड होता है आवाज में सन सन, फैन तो बिल्कुल ऑन नहीं करना भैया, पहले बता दे रहा हूं, देखिए अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देख रहे हैं रिलेटिव मोशन क्या है, कि मान लो जमीन पर है, इसने एक बॉल को फेंका तो ऐसा पाथ लेगा, तो ये है और ये बॉल को फेंक रही है, कितने प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे आपके सामने, 2, पहला और दूसरा। अब अगर आप इसको देखो तो सीधी सी बात है, रिलेटिव मोशन में कंसेप्ट क्या है, किसी एक पर बैठकर किसको देखते हैं, दूसरे को, मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में किस पर किसको, दूसरे को। अब यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं ये थीटा एंगल पे फेंक रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट बोलो यू कॉस थीटा, बोलो, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा। अगर मैं इसको u1 मान रहा हूं तो दिस विल बिकम u1 cos थीटा एंड u1, और इसका कोई स्पीड मान लेते हैं कि 2 है, u2, और इसका ग्राउंड इधर से जो थीटा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, u2 cos थीटा 2, और ये क्या बन जाएगा, u2 साइन थीटा 2। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बता दो। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, कंपोनेंट किया है, ये u1 से फेंक रहा था, ये कितने से फेंक रही है, u2 से, ये कोई थीटा एंगल, अच्छा ये भी तो हो सकता है, यहां थीटा 2 हो जाएगा, हाँ, और यहां क्या हो जाएगा, थीटा, तो cos थीटा 1 sin थीटा, अलग अलग स्पीड अलग अलग एंगल पे सब कुछ हमने वैरायटी कर दिया, समझ गए, तो दोनों इस तरीके से फेंक रहे। अब मुझे
अगर किसी के रिस्पेक्ट में देखना है, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे देखना है, तुम बताओ किसके रिस्पेक्ट में चलना है? जॉली का किसके रिस्पेक्ट में देख लूं? डॉली। मतलब तुम किस पर बैठ गए हो? किसके रिस्पेक्ट में? डॉली पर। तो तुम किस पे बैठ गए? डॉली पर बैठ गए। और डॉली की वेलोसिटी पलट के किसको दे दोगे? साउंड। और अगर नहीं करना है सर, हमें डर लग रहा है, हमें नहीं करना, तो ये लो, समय ही खपाओगे और कुछ नहीं होगा। चलो पहले यू बताओ, जॉली का कितना लिखोगे? यू कॉस यू वन कॉस थीटा वन कौन सा कैप, आई कैप, प्लस यू वन साइन थीटा वन जे कैप। डॉली का बोलो, यू टू कॉस थीटा टू आई कैप प्लस यू टू साइन थीटा टू जे कैप। अब मैं लिख रहा हूं जॉली का किसके रिस्पेक्ट में? डॉली के। तो करोगे तो यही ना कि जॉली माइनस डॉली। मैं डायरेक्ट कर सकता था और उसे एक लाइन में आंसर आता, बट पहले मैं इससे करके दिखा दे रहा हूं, अगर किसी को लग रहा है कि अरे नहीं यार कैसे हो गया। ये तो याद है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वीपी। बोलो सही है। चलो माइनस करना आता है, जॉली में से किसको माइनस करेंगे? इसमें माइनस करो इसको, यू वन कॉस थीटा वन माइनस यू टू कॉस थीटा टू, आई कैप कॉमन ले लू, तो क्या बना अपने पास? यू वन देखते रहे ना भैया, कॉस थीटा वन, स्टेप खा रहा हूं मैं, एक बार में लिख दिया, किसी को तकलीफ क्या? अरे आई कैप में से क्या घटाएंगे? आई कैप, यू वन कॉस थीटा वन आई कैप माइनस यू टू कॉस थीटा टू आई कैप। अब क्या करोगे? यू वन साइन थीटा वन माइनस यू टू साइन थीटा टू, कौन सा कैप है भैया? ये आ गया हमारे पास जॉली की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? एक तो तरीका ये था अपने पास, देख ली मर गए, प्लस ही आएगा भैया। एक तो ये तरीका है यहां निकालने का, मैं क्या कह रहा था, इस पर बैठ जाओ, तुम डायरेक्ट लिख लेते, इस पर बैठ गए तो मेरे पास दो थी, मैं डॉली नहीं हूं, थी नहीं, मतलब समझ गए ना तुम, ये दो है, इनको पलट करके किसको दे देंगे? सामने वाले को, तो पलट दो, तो ये वाला जो ऊपर वाला था ये कहां चला जाएगा? नीचे। और ये वाला जो था वो कहां चला जाएगा? ऊपर। देखो यार, ये वाला इसके अपोजिट जाएगा, तो देखो u1 cos थीटा 1 माइनस क्या होगा? u2 cos थीटा 2, u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, डायरेक्ट कर लेते, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं। अब सोचो ऊपर कितना था, u1 sin थीटा, इसको पलट के देते तो नीचे क्या आता? तो u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin, जैसे करना है वैसे कर लीजिए, लिख कर करना है लिख कर, आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम। अब इसको सकल सूरत इसको देखो सही से, कह रहा है किसी की वेलोसिटी, तुमसे पूछ रहा हूं क्या कह रहा है, किसी की वेलोसिटी डैश आई कैप है प्लस डैश जे कैप है, बताओ ये कैसा कैसा पाथ लेगा, कैसा पाथ है? नहीं, ये तो कांस्टेंट चीज है ना, ये क्या है, जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, दो चार पांच, मान लो टू आई कैप फोर जे कैप, बताओ कैसा पाथ है ये? स्ट्रेट लाइन। ये सिंपल क्या कह रहा है, आई कैप में मेरी वेलोसिटी कितनी है? दो। जे कैप में कितनी है? अगर तुम्हें कोई बोले मेरे पास एक वेक्टर दो है, एक वेक्टर कितना है? चार। बताओ इनका रिजल्टेंट ऐसे ही होगा ना, तो ये पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। नहीं यार, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पास आई कैप में वेलोसिटी है और जे कैप में, तो बताओ मैं कैसे चलूंगा? ऐसे चलूंगा, मतलब स्ट्रेट लाइन चलूंगा। तो बताओ देखकर, एक पर बैठकर अगर हम दूसरे को देखें, मतलब एक की रिस्पेक्ट में किसको देखें? दूसरे को, जबकि दोनों कैसा मोशन कर रहा था? प्रोजेक्टाइल मोशन। बट बताओ एक पर बैठकर हम अगर दूसरे को देख रहे हैं तो कैसा मोशन दिखेगा एक का? स्ट्रेट लाइन। ब्यूटीफुल कंसेप्ट, और यही कंसेप्ट को भी हम आगे यूज करने वाले। तो कैसा पाथ होगा?
पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। समझ गए? तो आज के बाद आपके लिए कंसेप्ट क्या है? आज के बाद आपके लिए कंसेप्ट है किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल कैसा दिखेगा, कैसा पाथ लेता दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। दूसरा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में दिखेगा। इस कंसेप्ट को खून में बसा लीजिए। सीधी सी बात, कैसा पाथ दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। शर्त एक है, यदि दोनों कैसे मोशन कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, और दोनों कैसे मोशन है, प्रोजेक्टाइल। चमका क्या? समझ गए? अगर दो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है दो पार्टिकल, तो एक पार्टिकल पे बैठ के किसको देखेंगे? दूसरे को। दूसरा पार्टिकल कौन सा पाथ लेता दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। इसको रट लीजिए, एक पार्टिकल पर बैठकर दूसरे को देखेंगे, दूसरा पार्टिकल कैसा पाथ दिखेगा? काम खत्म हो चुका है। अब रही बात, ये आपके सामने लिखा हुआ, एक बार पढ़ लो आप खुद, मैं पढ़ने वाला नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। दोनों ही मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो सोचो, अगर मुझे लिखना होगा एक्सेलरेशन ऑफ जॉली ने जो बॉल को, अच्छा ये जॉली का एक्सेलरेशन नहीं है, जॉली जो बॉल को फेंक रहा है। अरे गधेरे, ये मत कर देना कि जॉली का एक्सेलरेशन है। जॉली ने किसको फेंका है? बॉल को। तो उसको हमने बोल दिया है, समझ गए क्या? डॉली ने किसको फेंका है? बॉल को। तो वो बॉल है, समझ लो। समझ गए क्या कह रहा हूं? ये तो यही है। तो इस तरीके से अगर आप सोचो, तो अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ जॉली विथ रिस्पेक्ट टू, तो ए जे माइनस क्या लिखोगे? ए डी। बोलो, जॉली जो बॉल को फेंकेगा वो भी किसके अंडर है? मोशन अंडर ग्रेविटी। उस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा? माइनस का जी। बोलो, डॉली भी जो बॉल को फेंक रही है, तो वो भी बॉल किसके अंडर है? मोशन अंडर ग्रेविटी। उसका भी एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का जी। छम छम, कितना हो गया? सीधा यहां से भी सोचा जा सकता था। अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो सर इतनी कहानी आपने क्यों किया, अभी क्यों किया है, इसका भी लॉजिक दे दूंगा। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, इसका भी एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी। इसका भी एक्सेलरेशन बॉल का कितना है? माइनस जी। दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। और एक्सेलरेशन जब जीरो है, पैराबोला तो कहीं से हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया? बोलोगे? समझ आया क्या कह रहा हूं? ये वही लाइन लिखा हुआ है, अलग अलग एंगल पर अलग अलग वेलोसिटी से फेंके हैं, बट दोनों का एक्सेलेरेशन क्या है? रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो। ए रिलेटिव क्या है भैया? जीरो। और अगर ए रिलेटिव क्या है? जीरो। तो पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब सुंदर बात है भाई, स्ट्रेट लाइन अगर है तो स्ट्रेट लाइन तो कैसे भी हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए कैसा चल रहा था? ऐसे। अगर हम उसको कंसिडर करें, किसको बताओ? कहां बज रहा है? इससे आएगा सिस्टम से, इसकी ऐसे कितने से कुणाल सिंह है। देखो क्या था पहला, यू वन कॉस थीटा वन माइनस यू टू कॉस थीटा टू आई कैप प्लस U1 वन साइन थीटा वन माइनस यू टू साइन थीटा टू जी। और जब भी कभी आपकी वेलोसिटी i कैप में हो और किस में हो? j कैप में, और i कैप और j कैप के पास कौन सा हो? कॉन्स्टेंट वैल्यू। कैसा हो? सीधी सी बात है, दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। और ये एक कैसा पाथ है? स्ट्रेट लाइन।
तो इस वाले को देखकर तो ये समझ आ रहा है कि सर जी ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है कि नहीं, बोलो। लेकिन आपके पास दो चीज है, मुझे चाहिए एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, क्या चाहिए, और एक चाहिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। मतलब मैं चाह रहा हूं एक बार मुझे स्ट्रेट लाइन तो दिखे, बट मुझे पार्टिकल कैसे लेते दिखे पाथ, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और एक बार हॉरिजॉन्टल। जरा चेक करो, मैं चाह रहा हूं एक बार कैसे जाए, वर्टिकल एक बार हॉरिजॉन्टल, जरा चमकाना। एक तो बुद्धि से सोच लो, अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए तो वर्टिकल वाले को क्या कर दो, जीरो। कॉमन सेंस है यार, तुम्हें हॉरिजॉन्टल रफ्तार चाहिए तो वर्टिकल रफ्तार को क्या करना पड़ेगा, तो जेके वाले को निपटा दो। अरे जेके वाले को क्या कर दो, निपटाने का मतलब है क्या कर दो, जीरो। ये जीरो होगा तो यू वन साइन थीटा वन विल बी इक्वल टू यू टू साइन थीटा टू। दिस इज द कंडीशन ऑफ वर्टिकल, नहीं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सवाल आ जाएगा भाई, फिर से सुनो, क्या हमने ये लिख लिया, बोलो। हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंपोनेंट होगा, सिर्फ आई कैप, आई कैप को छोड़ दो, जे कैप वाले को क्या कर देंगे, जीरो। ये कब जीरो हो सकता है, जब ये इसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तुम तो इसको लिख के बराबर जीरो कर दो, तो क्या दिखेगा, यू वन साइन थीटा वन बराबर यू टू साइन थीटा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बुद्धि चलाओ और बताओ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के लिए, यू वन कॉस थीटा वन बराबर, वर्टिकल में चाहिए इसको क्या कर दो, सॉरी इसको क्या कर दो, जीरो। तो क्या जाएगा, यू वन कॉस थीटा वन बराबर यू टू कॉस। एक तो ये तुम्हें कहां से दिखा, एक्सप्रेशन से। अब फील करो, मैं डॉली पे बैठा हूं, अपनी वेलोसिटी प्लॉट के किसको दिया, सामने वाले, देखते रहना। यार वापस मुझे लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा, इसी में समझा देता, अपनी वेलोसिटी प्लॉट के इसको दूंगा, बोलो यार बताओ, यू टू साइन थीटा टू कहां जाएगा, नीचे, ये क्या जाएगा, U2 sin theta 2, U2 cos theta 2 कहां जाएगा, पीछे, बोलो गरीबों। मैं डॉली पे बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि वो मुझे कैसे दिखे, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, मतलब डॉली अपनी ओर आते दिखना चाहता। अरे डॉली किधर की ओर चाह रही है, कि अपनी ओर आते दिखे उसे, तो बताओ सिर्फ वेलोसिटी किसमें चाहिए, इसमें चाहिए, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो देखो u1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू, तब किसमें चलेगी ये, हॉरिजॉन्टल, ये नहीं चलेगी, मतलब ये बॉल चलेगा, समझ गए क्या बोल रहा हूं। तो देखो जरा दिमाग लगाओ, तुम्हें हॉरिजॉन्टल में चाहिए था, बोलो यार, तो तुमने इसको जीरो किया था, क्या आया था, u1 sin थीटा 1 बराबर u2 sin थीटा। हमने पूरी ये कहानी ग्रंथ लिखा है, कोई मतलब, एक पर बैठकर दूसरे को देखो, समझ आ जाएगा। आप सोच, मुझे उसको हॉरिजॉन्टल में नहीं चाहिए, मेरी ओर आते नहीं दिखे, किधर चाहिए, वर्टिकल में, कौन सा खत्म करो, ये वाला, और ये वाला खत्म तभी हो सकता है जब दोनों कंपोनेंट क्या हो जाए, बराबर। तो क्या होना चाहिए, यू टू कॉस थीटा टू शुड बी इक्वल टू यू वन कॉस थीटा वन। चेक करो, मुझे वर्टिकल में दिखे ये जिंदा रहेगा, ये नहीं दिखेगा, मतलब इसको बराबर क्या करोगे, जीरो। तो क्या बन गया, यू टू कॉस थीटा टू इक्वल टू, चमक गया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो बताइए जरा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के लिए कौन सा कंपोनेंट सेम होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होना चाहिए, बुद्धि चल रहा होगा। अरे भाई चार स्टेटमेंट आ जाएंगे, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, दो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, किसी एक की रिस्पेक्ट में चार दे दिया जाएगा, बोलोगे क्या। तो देखो, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी सेम। चलो कंडीशन बता दो ऊपर जल्दी से खटाक से, देखते ही बताओ, कंडीशन भी बोलेगा लिखने को, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन चाहिए, कहां है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इसको जिंदा रखो और इसको क्या कर दो, तो क्या हो गया, इसको जीरो करोगे तो क्या बन जाएगा, यू वन कॉस थीटा वन शुड बी इक्वल टू यू टू कॉस थीटा टू।
ए भाई नहीं आ रहा है क्या? मैं आगे बढ़ सकता था सिर्फ, आप देख लेना बाकी ए रिलेटिव जीरो, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, खत्म। अगला देखो, लेकिन स्ट्रेट लाइन कौन सा भाई, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये भी बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आगे चमकाऊंगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भैया, इसके लिए बताओ क्या करूं, सिर्फ ये चाहिए, तो ये वाला क्या कर दो जीरो। तो कंडीशन विल बी यू वन साइन थीटा वन बराबर यू टू साइन थीटा टू। अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया तो मुझसे कह दो, जो लेट आए उनको छोड़कर, जो टाइम पे है उनको बोल रहा हूं, बताओ क्या कोई दिक्कत? एक के रिस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन आज के बाद तुम्हें क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन करता हुआ दिखेगा। और कैसे स्ट्रेट लाइन दो हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, उसके लिए कंडीशन आपके सामने। अब देखो सवाल कैसे आए, सवाल आया बच्चा डर गया, पढ़ो सवाल। ये कोई नहीं है, 100 मीटर नहीं है, कितना गिवन है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलो बताओ सवाल पढ़ो, ये कोई गिवन हुआ नहीं है। देखो सवाल देखो, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी कितना फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए। अगला पढ़ो, एज सोन इन फिगर एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी यू टू फ्रॉम पॉइंट बी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू वन अपॉन में यू टू फॉर बोथ बॉडीज टू कोलाइड। अभी सीखा है, कोलाइड करेगा, अरे दोनों ऊपर जाएंगे, अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऊपर ले जाने वाला कौन जिम्मेदार, बोलो है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सी या नहीं, मुझे नहीं पता है, नहीं मास्टर, जिंदाबाद कंसेप्ट, टकराना है ना, अरे टकराना है कि नहीं, इसका कंपोनेंट बोलो ये वाला U1 cos 60 और इसका बोलो चुप U1 cos U2 कहां से आ जाएगा, आइटम है साले, बोलो होगा कि नहीं होगा, मुझे टकराना है ना, किसी एक पर बैठ जाओ, मैं इस पर बैठ गया, बैठ गया क्या, अरे बैठ गया, अपनी वाली वेलोसिटी पलट को किसको दूंगा, अरे दोगे कि नहीं दोगे, लो दे दिया, कितना दोगे U2। अब तुम जिस पर बैठ गए वो किस पर हो जाता है, रेस्ट पर, अब वो तुम्हें कैसे टकराओगे, कैसे उसको तुम्हें अपने पास लाना पड़ेगा, सोचो तो, अरे तुम डॉली डॉली नहीं बी पर बैठ गए, अब वो वहां पर है, तुम अपनी वाली पलट के किसको दे दिए, सामने वाले, अब तुम किस पे चले गए, रेस्ट पे, अब तुम रेस्ट पे हो, तुम उसको टक्कर करना है तो तुम्हें उसको लाना पड़ेगा अपनी ओर, अपनी ओर लाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिंदा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, सोचो ये जिंदा रखने के लिए इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और इन दोनों का आपस में क्या होना पड़ेगा, बराबर, चाहे रट लो चाहे समझ लो। अब यही तो सिखाया, हम तो यही काम करते हैं, हम तो बैठ जाते हैं, हम ये नहीं रटते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन वो भी लॉजिक है, दोनों हवा में ऐसे जाएंगे, हवा में ले जाने वाला कौन जिम्मेदार, वाई वाला, तो वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी सेम। बट मैं जो अभी बता रहा हूं इससे बहुत सारे आगे भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व होंगे आप, तो मैं एक पर बैठ गया दूसरे को पलट कर दे दिया, यानी तो रटना है, टक्कर होगा, रेशियो बताओ, तो सीधी सी बात है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होगा इससे। लेकिन मैं बैठ कर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे टाइम भी निकालेंगे, तो जब तुम बैठ गए कितना मजेदार है, सुनो बैठ गए, इसको चलाओ, वो आ रही है तुम्हारे पास, आ रही है मतलब वो आ रहा है बॉल, अब सोचो स्पीड कौन सा में था, हॉरिजॉन्टल में, टाइम भी पूछा जाता है, तो डिस्टेंस कितना लेते हैं, 100, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100 अपॉन में जो स्पीड आएगी हॉरिजॉन्टल वाली, ये फायदा हो जाएगा अगली सवाल, इसलिए मैं बैठकर बता रहा हूं। बताओ इन दोनों का आपस में क्या होना पड़ेगा, बराबर, फॉर कोलिजन U1 sin 60 should be equals to, बताओ U1 root 3 by 2 बराबर U2, क्या पूछा है बेटा, U1 upon, खत्म, U1 upon इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ 2 by, आंसर
सिंपल सवाल आया, दो बॉडी प्रोजेक्टाइल कर रहा है, बताओ कहाँ पर दोनों का स्पीड का रेशियो बता दो, ये सब। बच्चा डरने लगता है, अरे सर प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेटिव मोशन में कुछ नहीं है, देखो चमका क्या। और दोनों ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो कैसे क्या टक्करोगे, या तो तुम बैठ कर देख लो या तो तुम रटल हो कि टकरा होने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी सेम। बट आगे सवाल में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या लगाना पड़ेगा, स्पीड, इसलिए मैं बैठ कर हमेशा देखता हूँ। सिंपल है यार, मैं जिस पर बैठ गया वो पार्टिकल किस पर गया, रेस्ट पे। अपनी वाली वेलोसिटी पलट के किसको दूंगा, सम। तुम खुद सोचो, उसके हर एक वेलोसिटी को खत्म करना पड़ेगा अगर तुम्हें टकराना है उससे, सिर्फ क्या बचना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, तो वाई वाले को सेम कर दो, वही तो किए हो, वाई वाले को क्या किए सेम। क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट बोथ बॉल विल, बताओ सर। एक डेटा नोन है भाई, ऐसा मुझे लग रहा है यशवर्धन की ऐसी की तैसी, एक डेटा उसने मिस कर दिया है। चलो मान लेते हैं इसको 50 मीटर पर से, ठीक है बोलो भाई। चलो इसका वो करो, सॉल्व करो सवाल को, मैं एक बार सवाल चेक कर लो, जल्दी करो। बिल्कुल परफेक्ट, ये 50 मीटर पर सेकंड गिवन। चलो बताइए, पहला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, इसको यू मान लो, क्या रखे कि दोनों में टक्कर हो जाए। दूसरा फाइंड टाइम व्हेन इट कोलाइड, टक्कर होने के लिए अभी तुमने जस्ट बोला कौन सा कंपोनेंट, जल्दी करो देखो। पहले का तो आ गया होगा खटाक से, कितना है बस u का ये वाला कंपोनेंट बोलो, u cos 37, तो मतलब डायरेक्ट लिख दूं 4u/5। और ये वाला बेटा 3u/5, u sin 37, इसका कर लो जल्दी से। cos 53, मैं तो इसको 53 को इधर 37 बना देता हूँ, cos 37 हो गया 4/5, 50 × 4/5, 50 × 3/5। वही सुन लो कधेरे, कभी कभी बच्चा क्या करता है, एक ही रटा होता है, साइन 37 खूब रटा है उसका, और कॉस 37, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, तो मरते का हो मुझे पता है, साइन 53। अब सोचने पे मजबूर हो गए, मैं क्या करता हूँ सुन लो ध्यान से, अगर ये 53 है, सॉरी ये क्या है यहाँ से 53। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि उसको रटा है साइन 37 और कॉस 37 मुंह पे होता है, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। अब क्या करोगे, 53 है, कॉस 53 और साइन 53 में कंफ्यूज हो, मैं होता ही नहीं, ये 53 है तो ये कितना होगा, अब फिर से मुझे रटा है, ये कॉस 37 और ये साइन 37, मैं उसको ऐसे बदल देता हूँ, तो आप भी चाहो तो ऐसे बदल सकते हो, 53 याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं होगी हमेशा। तो मैंने इसको बदल दिया तुरंत, कॉस 37 4/5 3/5, तो ये हो गया 40 और ये कितना हो गया 30। बोलो अब तुम्हें टकराने के लिए कौन सा कंपोनेंट सेम होना चाहिए, वर्टिकल वाला, कौन सा वाला, वर्टिकल वाला, या नहीं तो किसी एक पर बैठकर देखोगे दूसरे को तब भी क्या आना है, वही आना। तो पहला पूछा है यू मिनिमम, तो
तो यू मिनिमम के लिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर दो, सेम। तो बताओ वर्टिकल कंपोनेंट सेम, वर्टिकल इसका कितना है 3u/5, उसका कितना है, तो कितना क्या बताओ 200/3। पहले सवाल का आंसर क्या, टफ लग रहा क्या? अरे वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर दिया, सेम, किसके लिए, कोलिजन के लिए, तो वहां से क्या मिल गया, यू, क्या मिल गया, यू। अब दूसरे पार्ट में वह समय बताओ जब क्या होगा, कोलिजन होगा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, इसीलिए बोला था। और याद करो कब, कब के लिए कहां बैठते हो, बॉल पर, क्योंकि टाइम किसी भी फ्रेम पर डिपेंड, लेकिन कहां के लिए वापस कहां बैठोगे, ग्राउंड पर। कब के लिए बताया था मैं, कहां बैठते हैं, बॉल पर, और कहां के लिए कहां बैठते हैं, ग्राउंड पे। कहां मतलब वेयर, अगला पार्ट देखो क्या है, वेयर इट विल कोलाइड, पोजीशन बताओ कहां पर कोलिजन होगा, तो तुम कहां बैठ जाओगे, ग्राउंड पर। और कब होगा, तो कहीं भी बैठो कोई दिक्कत, लेकिन आसान कहां पड़ता है, बॉल पर। फंडा है, रट लीजिए, कभी भी दो बॉल मोशन में है और बोला कब टक्कर होगा, बॉल पे बैठेंगे, कहां टक्कर होगा, ग्राउंड पर। बस दूसरा वाला, टाइम बराबर क्या होता है बेटा जी, डिस्टेंस अपॉन में क्या चाहिए, वी रिलेटिव। लेकिन ये कौन सा वाला जिम्मेदार होगा, एक्स वाला, सोचो कब टक्कर होगा। तुम अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक पर बैठना पड़ेगा, एक पर बैठना पड़ेगा। बॉल पर बैठ गए, बैठ गए। अब जिस पर बैठ गए तुम क्या चले गए, रेस्ट पे। अपनी वाली प्लेट के किसको दोगे, बताओ मुझे, अभी एक्स से काम है या वाई से, एक्स। एक्स में इधर कितना था, 4u/5, बोलो यार। और तुम्हारी इधर एक्स में कितनी है, 30, 30 उसको दे दोगे, तो वो तुम्हारी ओर किधर से आते, कितने से दिखेगा, 30+4u/5। अरे इस पर बैठ गए ना, अपनी वाली प्लेट किसको दोगे, तुम्हारी कितनी थी, 30, पलटो 30 इधर से, और इसकी खुद की कितनी है, 4u/5, तो प्लस क्या करोगे, 4u/5। यही मिला तुम्हारा क्या, वी रिलेटिव। सॉल्व कर लो इसको जरा, 4 × u कितना है देखो, 200/3। कितना हो गया रे, 5 × 20 = 40। इसको सॉल्व करेंगे कितना रहा बेटा, 250/3, ये हो गया वी रिलेटिव, मीटर पर सेकेंड। ओके अब रख दो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है रे, 100 अपॉन में 250/3, कहां चला गया, 30/25, 30/25 कितना हो गया, 6/5 सेकेंड लगेगा। इतने सेकंड बाद आपका जो है दोनों टक्कर हो जाए। क्या हो गया, तकलीफ में हो गई, 190 बता। देखो मैं फिजिक्स में तो खेल गया, काम कर रहे हैं देख लो गणित, ये नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व। 30 ये लो, ये सॉरी 30+160/3 यही है ना, कहां से हो रहा है, मुझे दिख रहा है 60+90 कौन है रे, ये 150 + 100 कितना हो गया, 250 / 3। भाई ऐसे करोगे तो यार ये तो बहुत बुरी हालत है भाई, ऐसे तो हो गया। अगला क्या पूछा है, कहां बैठोगे, ग्राउंड पर। वेयर मतलब कहां, तो कुछ एक्स में भी चलेगा, कुछ वाई में भी चलेगा, बोलोगे। नीट वाले तुम्हारे में ये टप्पा खा सकता है, कौन सा, ये वाला, अगर हुआ तो ये वाला, अदरवाइज वेयर वाला तो टप्पा नहीं खाएगा, बट तुम्हारे में तो टप्पा खाए, समझ गए क्या कह रहा हूं। ये वाला तो कॉमन है भाई, ये तो कोई पूछ सकता है यार,
ये वाला अगर उसको ज्यादा मजे लेना हुआ तो, अगर उसको और मजे लेना हुआ तब आएगा कौन से वाले पे, तीसरे दिन। बट तुम्हारे में स्पेशली नहीं आएगा, बट फिर भी मैं वर्स्ट केस के लिए क्या कर दे रहा हूं बताओ, बताओ। अगर बेटा ये तुम इस पर बैठे थे तो ये वाला किस पे हो गया था, रेस्ट पे, अब वो चलकर आएगा। लेकिन ये तब हम करते हैं जब टाइम चाहिए था, तो बॉल पे बैठ गए। अब क्या पूछा है, वेयर, वेयर के लिए कौन सा फ्रेम यूज करते हैं, ग्राउंड फ्रेम। तो जब जमीन पर आकर बैठकर देखोगे तुम तो किसी एक को चला लो, जमीन पर तो किसी एक को चला लो। अगर पूरा 100 मीटर है, ये अगर 20 चला हॉरिजॉन्टल में तो ये कितना चलेगा, 80, कॉमन सेंस है। और वायर तो दोनों के लिए क्या होगा, टक्कर हो रही है ना, कहां टक्कर हो रही है, कहां, ये यहां हमारा, ये यहां हमारा, कहीं यहां टक्कर हुई तो एक्स में कुछ ये और चलेगा और एक्स में ये कुछ और चलेगा, बट वाई में तो दोनों को क्या चलना पड़ेगा। तो सुन लो, कहां के लिए हमेशा कहां बैठ जाओ, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे बैठकर किसी एक को ऑब्जर्व कर लो, चलो एक्स में चला लो, किस पर बैठना है, ग्राउंड पे बैठ के तुम किसी को भी चला लो, हम तो कह रहे आंसर विल बी सेम, चाहे इसको चला लो चाहे उसको चला लो। बोलोगे इसको चला लेते हैं सपोज, बताओ ये इधर कितना खिसक जाएगा एक्स में डिस्प्लेसमेंट। पता है सबसे अच्छी बात यह है कि जब ग्राउंड पे बैठे हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एक्स बराबर, लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, इनटू टाइम, टाइम जो तुम निकाले हो। सुनना, किसी एक को चलाओगे, इसको चला रहे तो 30, इसको मैं बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी, तो अभी मैं किसको चला रहा हूं बेटा, बी को, तो वेलोसिटी किसका लूंगा एक्स में, बी का, बी का वेलोसिटी कितना है 30, टाइम ऊपर कितना है 5 × 30 कितना मीटर, 36। कौन चल लेगा, बी, अगर ये 36 चला तो वो कितना चलेगा, 100 − 36 कितना हो गया 64। भरोसा नहीं है, चलो इसको, ये कितना है, तो 4u/5 200 × 6 4u/5 कितना आएगा, नहीं 160/3, 160/3 मल्टीप्लाई कर दो 6/5 से, देखो 64 आएगा, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो। इसको भी चलाओ, अगर इसको चला के देखना है तो। आ रहा है, आ रहा होगा, क्यों नहीं आएगा यार, नहीं आएगा, कंसेप्ट ही धराशायी हो जाएगा भाई से। एक को चला लो, दूसरे को अपने आप समझ आ जाएगा। अगर ये कौन चला है रे, बी चला है, कितना 36, तो बताओ ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 − 36 कितना हो गया, ये किस में तुमने चेक किया अभी, एक्स में, अब किस में चेक करोगे, क्या वाई में, अब ग्राउंड पे बैठ के देखोगे एक्सेलेरेशन 0 है, नहीं, कितना है −g, कितना है, सिंपल, s बराबर ut + ½, लेकिन कौन सा वाला, वाई वाला, किसको देख रहे थे, बी को, तो बी को ही देखो, बी का बताओ वाई वाला बेटा, सिंपल है यार, 40, टाइम कितना निकला है 6/5, पहले ही माइनस लगा दूं क्योंकि यहां −10 लिखने वाला हूं, तो −1/2 × 10, टाइम बताओ 6/5 का, मत करो सॉल्व, करना है जल्दी से कोई सॉल्व करके बताओ आंसर, बस सिंपल, जो भी आप सॉल्व करके आंसर आ जाए, उतना वाई में और इतना एक्स में। नहीं आया समझ में, तो ये आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। रिलेटिव मोशन में भी कौन सा प्रोजेक्शन है, ग्राउंड टू ग्राउंड, इसमें ग्राउंड से कहां हो सकता, हाइट, और टब बनाना हुआ तो हाइट से हाइट पे। अब रियलिटी में ये जेई एडवांस का पैराग्राफ क्वेश्चन है, बहुत पहले आया हुआ था, 3 पार्ट था, 4 4 4, ये तीनों बार मार्क्स कुछ भी नहीं है, बहुत पहले। अब जब जे एडवांस में बहुत पहले आ जाता है वो यहां पर अब बन जाता है, उसके छोटे टुकड़े, क्या ये पहला वाला नहीं बन सकता था क्या, 1 सेकंड में आंसर था भाई, कंपोनेंट करना था, अरे बोल भाई, दोनों का वाई वाला क्या कर देता से, हाँ दूसरा वाला बुद्धि चलाना पड़ेगा और तीसरा वाला भी बुद्धि चलाना, बोलो सही है क्या। मैं ये यहां पर हालत ऐसी हो जाएगी अभी कि कुछ लोग धराशे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे,
बस मैं समझा देता हूँ, बाकी जी वाला कर लेना अपना बेटा, और डाउट है पूछ लेना मुझसे, मैं बस बता देता हूँ। मैंने टफ वाला ले लिया, टावर से टावर वाला। मैं तुमसे बस पूछ रहा हूँ कि ऊपर से वो कितने से मार रहा है, 50 से, और ये कितने से, U से, कितने से, 53 से। क्या पूछा है, फाइंड U फॉर कोलिजन। मैं सारे पार्ट नहीं कर रहा, बस एक पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ क्या करोगे इस बार अगर आया तो। तुम्हें तो क्या सिखाया, एक पर बैठ जाओ दूसरे पर। पर इस बार तो डेटा इतना सुंदर है कि आपको जब सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। ठीक है भैया, ये कितना हाइट है, वो कितना है, तो ये कितना हो गया 400। देखो यू वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो तुम ले आओगे, मरोगे फिर किसमें, टाइम वाले। यू कैसे करेंगे, इसका कंपोनेंट कर लोगे, बोलो उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या है, जीरो, कितना है, अरे जीरो है, तो बताओ यू, यू निकाल के दिखाओ बस मुझे, एक बार यू निकाल के दिखाओ। आगे नहीं सॉल्व करवा रहे तुमसे नीट वाले, चिंता मत करो, बस यू निकाल के बता दो, आंसर मैच करा दो एक बार। सिंपल, क्या किया, वर्टिकल कंपोनेंट, सिंपल 250 आ रहा है, चेक कर लो। अब इस बार बच्चे कहाँ मर रहे होंगे मुझे पता है, बुद्धि चलाओ कहाँ मर रहे हो तुम, या तो एक पर बैठकर दूसरे को देखते थे तो यू आ जाता था, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर देते थे, बराबर। इस बार तुम्हें लपेट दिया गया है, क्योंकि एक का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, जीरो, अब दोनों को बराबर करेंगे तो दूसरा भी जीरो आ जाएगा। नहीं समझे मैं क्या कहना था, इसका बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, फिर से मैं क्या करूं, 53 है तो इसको क्या मान लूंगा 37, तो ये हो जाएगा 4u/5 और ये हो जाएगा 3u। अब बच्चा क्या करेगा, जो उसको सिखाया गया है, हमने बोला u फॉर कोलिजन, तो उसने बोला वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का क्या कर दो बराबर, एक प्रोजेक्टाइल ये है और एक प्रोजेक्टाइल, बट वो वाला प्रोजेक्टाइल इस बार एंगल पर नहीं है, मतलब इसका vy इस बार जीरो है, uy क्या है, अच्छा बराबर किसका करें, यहां चलो ठीक है 4u/5, वहां कितना जीरो, तो ऐसे तो u कितना जीरो, u जीरो इसका मतलब ये छोड़ा ही नहीं, तो कभी ऐसा क्या यही आके टक्कर करे ऐसा, तो ये यहां से इस बार आपको, अब ये तब जब दोनों सेम हाइट पर थे और कहां थे, ग्राउंड पर, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसमें डेटा गिवन है, पता ही क्या होगा, ऐसे समझो, तुम्हें एक चीज इसलिए मैं हमेशा सिखाता हूं, बैठ जाओ क्या करो, अब ये वाला रटने वाला देखो इसमें फ्लॉप हो गया ना, क्योंकि वो दोनों के लिए कौन सा था, ग्राउंड टू ग्राउंड, उसमें दोनों ही थे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें एक ऑब्लिक है और एक हॉरिजॉन्टल है, तुम्हारे हो गया, इसलिए बैठने वाला सबसे सही होता है, कंसेप्ट ये, बैठकर दूसरे को दे दो, बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, बैठ गए, अपनी वेलोसिटी पलट के किसको दे दो, सामने, ये वाला तो फ्लॉप हो गए, तुम अपनी वेलोसिटी किसको दो, सामने वाले को दो, सामने वाले, सामने वाले को दोगे तो एक तो इसके पास कितना है, और इसके पास हो जाएगा 3u/5 + 50, ये हो जाए, जैसे सामने वाले को पलट के दिए, अब साला दिक्कत है, अभी तक वर्टिकल में भी एक आता था तो इन दोनों को क्या कर देते थे, कैंसल, तो बराबर कर देते थे, यू आ जाता था तभी वर्टिकल वाला बराबर करते थे, अब इस बार है ही नहीं। इस बार देखो कितना सुंदर डेटा दिया गया है आपसे,
अब जैसे बैठोगे तो ये अब ऐसे जाएगा और इसको जाके टक्कर कर देगा। तुम एक पर बैठ गए तो दूसरा किस पे चला गया? रेस्ट पर। तुम 800 मीटर वाले पे बैठे हो, वहां 400 मीटर वाला है, तुम 800 मीटर वाले बैठे तो वो वाला किस पर है? 400 पे। अब तुम इस पर बैठ गए, तुम किस पे चले गए? उसको लाओ अपनी ओर। एक ही कंसेप्ट है, टकराना है। जिस पर बैठ गए तुम किस पे चले गए? तो दूसरे को अपनी ओर लाओ। क्या इस बार हॉरिजॉन्टल में है? नहीं, हॉरिजॉन्टल में होता तो सीधा चला देता। अरे यार, अब कैसे चलाना पड़ेगा स्ट्रीट लाइन में? ऐसे नहीं, सब गिवन है, ऐसे चलाना पड़ेगा। बोलो, खुद सोचो। ये इसको जाके यहां क्या कर देगा? टक्कर मार देगा। देखो डेटा कितना सुंदर है। ये वाला कितना है रे? 400। ये वाला कितना है रे? 400। मतलब ये एंगल 45 है, और अगर 45 हो तो दोनों कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं? सेम। तो 4u/5 शुड बी इक्वल टू 3u/5+50। मैं फिर से समझा रहा हूं, मुझे पता है आप गाली गलौज करोगे, मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूं। अरे ये 400 और ये परपेंडिकुलर सेम, बेस सेम, परपेंडिकुलर बाय बेस 1। कब होता है? 45 डिग्री पे। अरे कह रहा रहने दो, हमें नहीं करना। अरे यार, 10 45 क्या होता है? तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होना चाहिए? सेम। बताओ ये कितना और ये भी कितना, मतलब ये एंगल कितना हो गया? सर ये तो गिवन 53। अरे गधेरे, 53 तो था शुरुआत में। तुम एक पर बैठ गए तो अब दूसरे को चलाओगे तो दूसरा कितने पर आते दिखेगा तुम्हें? 45 पर। तभी तो जाके क्या होगा? कोलिजन होगा। तो ये 45 जैसे होगा, इन दोनों को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो 4u/5 शुड बी इक्वल टू 3u/5+ 50। यहां से बराबर करके मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, देख लो। कौन बड़ा इन दोनों में? एक को भेज दो इस साइड, तो 4u/5 - 3u/5 कितना हो गया? यू बाय खत्म। 4u/5 - 3u/5 = 50। तो ये हो गया u/5। तो यू कितना आ गया? 250 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये आंसर। अब कुछ है ही नहीं, टाइम चाहिए, डिस्टेंस अपन स्पीड आ जाएगी, वाई वाले में चला देंगे। बोलो भाई, वाई वाले। अरे यू ही तो मेन खेल था, यू आ गया तब इसका वाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 4u/5। इसको ऊपर चला दो, दूरी कितनी है? 400। अपन में वाई वाला स्पीड कितना हो गया? 4u/5 जो भी निकलेगा, खत्म। उससे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है, फिर पूछा जाए, क्या पूछा है? पोजिशन। तो पोजिशन के लिए किसी एक ग्राउंड पर बैठ जाओ और किसी एक को चला दो, एक्स में कितना चल गया, वाई में कितना गिर जाए। तो ये इतना आप में नहीं पूछा जाएगा, ये जेई वाले जो आप सॉल्व कर लेना, डाउट है बेटा पूछ लेना। मैं आंसर बोल देता हूँ, लिख लो। जब अच्छा, यशवर्धन कॉल कर रहा है। 36 वेरीफाई करना, देख लो मेरा जीमेल आईडी यूज कर रहा है पूरा एकदम मस्त। चलो, ये पूरा रखा था मैं सॉल्व करने के लिए, बट नीट में उतना जरूरी नहीं है। अब आएंगे भाई साहब जो आपका शानदार कंसेप्ट है, रिवर बोट। अभी इससे पहले आने से पहले आप पुराना सोच लीजिए, देख लीजिए एक बार, अभी वाला रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, और मुझे बता दो कि उसमें क्या तकलीफ है? क्या यू मिनिमम के लिए तकलीफ है क्या? अच्छा, तुम्हें ज्यादा ज्यादा ग्राउंड टू ग्राउंड आएगा, क्या आएगा आपके मॉड्यूल में अगर आप देखो भी, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 52 बेटा क्या दे रखा है आपको? हाइट से ग्राउंड में। अब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या किया है, अगर इलस्ट्रेशन करना चाहोगे। अब आपके पास क्या कंसेप्ट था अभी तक टक्कर होने का? सिर्फ अगर ग्राउंड टू ग्राउंड है तो क्या है, दोनों का वाई वाला क्या कर दो? सेम। मैं तो कहता हूं सिंपल, एक पर बैठ जाओ दूसरे को दे दो, ऐसे वाले में कहीं भी नहीं फंसने वाले हो। बोलोगे क्या? एक पर बैठकर क्या कर देंगे? दूसरे को दे देंगे।
और तुम जिस पर बैठ गए तुम्हारी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सामने वाले को दोगे, सामने वाला तुमसे आगे क्या करना चाहिए, टक्कर करना चाहिए। अब इसके लिए तो बुद्धि चलानी पड़ेगी। अब एक कंसेप्ट है रिवर और बोट का, क्लास में ही होगा ना गधा कहीं का, करा क्लास में हो सर। देखो रिवर बोट प्रॉब्लम। अब मुझे पता है आप सबको स्विमिंग आती होगी, कितनों को आती है स्विमिंग, तुम्हें आती है लड़कियों में, लड़कियां बातों से ही स्विमिंग करती है। ठीक है, देखो देखो बस दो तीन को स्विमिंग आती है, इनफैक्ट मुझे भी स्विमिंग नहीं आती, लेकिन मुझे रिवर बोट वाला प्रॉब्लम आता है। जरूरी नहीं कि जिसको स्विमिंग आती है, इसमें लगाना चाहिए, लगाना होगा अकल। ठीक है, मान लो आज स्विमिंग नहीं आती है तुमको, लेकिन अपने को स्विमिंग करनी है। ठीक है, देखो पहली बात, चाहे रिवर बोट प्रॉब्लम बोले चाहे रिवर स्विमर प्रॉब्लम बोले, बोलो यार बात विल बी सेम, तो डरना नहीं है, बात दोनों में क्या है, सेम। अब सुनो, अब ये बोट है, ठीक है भैया, अब ये मत पूछना ये दो छोर ये किनारे हैं रिवर के, समझ गए ना, कौन से वाले पे, ओए गधेरे कौन से वाले, ये ग्रीन वाले, ग्रीन नहीं ब्लू, अरे ब्लू के बाद जो है। अब सोचो इसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, व्हाइट ही ज्यादा सही, तुम्हें व्हाइट ज्यादा अच्छा दिख रहा था या ब्लैक, हमें कोई मतलब नहीं, आप तो बस समझा दो, दम है तो समझा के दिखाओ। ये हर साल हमारा गोले में जाता है, इस साल दम है तो समझा के दिखाओ, गोले मतलब उड़ जाता है वसूली भाई। देखो ये आपका डेस्टिनेशन है, बोलो सही है क्या, सुनो मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं करवा लूँ और साले कूट दूंगा अभी। मुझे एक बात समझ नहीं आती है यार, ये सवेरे उठ के रोज पहले टीका लगाता है, किसी झुमका भी लगा लो। देखो इधर ध्यान, आप देखो ये दोनों नदी के किनारे हैं, इसको क्या बोलेंगे, हर आज कौन है, ये विड्थ है रिवर का, क्या है, या आपको बहुत बार क्या बोल दिया जाएगा, डी, क्या बोल दिया जाएगा, डी, चौराई किसकी, रिवर की। अब आपको यहां पहुंचना है, बोलो सही, अगर रिवर शांत है बिल्कुल, फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो जो कि तुम स्विमिंग में करते हो, छुटकू सा है स्विमिंग पूल, उसमें थोड़ी ना पानी मस्त बह रहा होता है, बोलो भाई, तो बिल्कुल क्या है, शांत, जिसको बोलते हैं स्टिल वाटर, क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी। तो तुम यहां से चले यहां पहुंच गए, लेकिन रियलिटी में रियल केस को एजम्पशन करो, जब नदी में आप तैरोगे तो नदी के पास क्या होगी, रफ्तार होगी, और किधर की ओर होगी, क्या इधर की ओर होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, तो ये नदी के पास रफ्तार होगी कितना, वीआर, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर नदी के पास रफ्तार, अब तुम्हारा डेस्टिनेशन ये है, तुम ऐसे चले पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे, कहीं कहां पहुंचोगे, यहां डेस्टिनेशन से इतना खिसक जाओ, दिस इज कॉल्ड ड्रिप, दिस इज कॉल्ड ड्रिप, दिस इज कॉल्ड ड्रिप। फिर से सुनिएगा, ये जो बेटा आया इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, खिसकना, आप अपने डेस्टिनेशन से कितना खिसक गए। तुम चले कैसे थे ये बताओ, चले ऐसे थे, बोलो बोलो, पहुंचे यहां बट मतलब तुम गए कैसे हो, ऐसे, इसको बोलते हैं वीबीआर, इसको बोलते हैं वीबी,
तीन चीज होता है, खुद सोचो, रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या लिखोगे? वी बी माइनस वी आर, कितनी चीज है? तीन। कितने वेक्टर हैं? तीन। अरे बोलोगे कितने वेक्टर हैं? और हर वेक्टर के पास कितनी चीज? दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। टोटल कितनी चीज हुए? छह में से कोई चार दे देगा और दो नहीं देगा। यही है पूरी रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। बट मैं वैसे आपको समझाऊंगा नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं। क्या तीन वेक्टर है कि नहीं? हर एक वेक्टर के पास कितनी चीज? मैग्नीट्यूड और इसके भी दो, इसके भी दो और इसके भी, टोटल कितनी चीज? छह में से, जब तक आपको किसी चार का ज्ञान नहीं होगा, आप दो, जो छह में से दो बचे उसको आप सॉल्व आउट किसी ना किसी कारण वह सवाल में, वो आपको चार चीज दे देगा। और हमेशा उस दो के लिए हमें काम करना होता है। बट फिलहाल क्या आप इतना समझो, आपका डेस्टिनेशन ये था, आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। एक ऐसी बेटा ऑफ कर दो, मुझे ठंड लग रही है, यहीं फ्रीज हो जाऊंगा मैं। हाँ नीचे वाला, शाबाश, तुम्हें भी लग रही थी ठंड, तो बोल क्यों नहीं रहे थे? ओह देखो ये इतना खिसक गया, इसी को क्या बोलेंगे? ड्रिप। अपने पास सवाल दो आते हैं, क्रॉस करना है किसको? रिवर को। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, पहला सवाल। दूसरा, जब तुम रिवर को क्रॉस करोगे तो हर बार तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो, ये जरूरी, अपने डेस्टिनेशन से कुछ आगे शिफ्ट हो जाओगे, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो आपसे पूछेगा वो ड्रिफ्ट, क्या पूछेगा? अब इसी में वैरायटी बन सकते हैं। क्या अब तुम चले थे ऐसे, बट कैसे गए? ऐसे बोलोगे, लेकिन कब, क्या, कौन, कहां होगा, मरते बच्चे कहां पर? सुनना, रिवर के लिए तो कभी मरने की जरूरत गिवन होगा, रिवर की रफ्तार नहीं भी गिवन होगा तो निकलेगा, और तुम्हें पता है रिवर तो ऐसे ही चलेगी। बट साला मरोगे कहां? वीबी में और वीबीआर, यहां और यहां मरते हैं बच्चे, वीबीआर और कौन? वीबी कौन? वीबीआर, बीबी नहीं, खुश हो रहा है बच्चे, कौन वीबी और कौन वीबीआर, इन दो में आप मरने वाले। ये दो मैं आपको बता दूंगा, कौन वीबी कौन वीबीआर, आगे चल। पहले तो कंसेप्ट समझ गए क्या क्या पूछे जाने वाला, एक टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर और एक ड्रिफ्ट। ये भी पूछा जा सकता है, बताओ कितने एंगल पर तुम वर्टिकल से कितने एंगल पर चलोगे कि तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, एंगल भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? बट मेन जो होता है दो, एक टाइम और एक दूसरा ड्रिफ्ट। ओके, ये सब हम अभी निकालेंगे, उससे पहले आपको कुछ बेसिक ज्ञान आने चाहिए। अब आपके पास तीन चीजें हैं, आपको दिख रहा होगा, मुझे तो पता है, वैसे आप सभी जिम जाते नहीं, मैं खुद नहीं जाऊँ। ट्रेडमिल पे आपने देखा है दौड़ते हुए, कभी जिम देखे होगा? देखो उस पर सवेरे सवेरे खूब दौड़ लगा रहे होते हैं, ठीक है। आप देखोगे ये बेल्ट कहाँ जाएगी? पीछे। ये मैन कहाँ जाएगा? मैन नहीं है, वुमेन है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, ठीक। ये लड़की दौड़ते दौड़ते आपसे कह रही है कि मेरी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, कितना है? तुमने पूछा, ए लड़की, नहीं ऐसे नहीं, ए बच्ची तेरे पास कितना रफ्तार है, तू कितनी रफ्तार से दौड़ रही है? ये कहीं दौड़ते 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 दौड़ते, सुनो ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, मैं 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही हूँ। कितने से? 10 मीटर। दौड़ते दौड़ते कह रही है, नितिन समझना, दौड़ते दौड़ते कह रही है कि मैं कितने से दौड़ रही हूँ? 10। बताओ ये रफ्तार किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या ट्रेडमिल के रिस्पेक्ट में है? बताओ किसके रिस्पेक्ट में है? बताओ किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेडमिल के रिस्पेक्ट। ये स्विमिंग करते करते तुमसे कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विमिंग कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में है? रिवर के रिस्पेक्ट में है। ये एस्केलेटर पे चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते आपसे कह रहा है मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चढ़ रहा हूं, ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? एस्केलेटर। मतलब यहां पर हर बार सवाल में आपको मोस्टली टाइम क्या गिवन है?
रिलेटिव वेलोसिटी। क्या गिवन है भाई? अजीब दास्ता है, पूछो का यहां हर बार इनकी अपनी अपनी वेलोसिटी थी। किस फ्रेम में देखते हो? अपनी वेलोसिटी बोले तो ग्राउंड फ्रेम। और तुम क्या निकालते थे? रिलेटिव। एक पर बैठकर अब बैठने की जरूरत, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी बार बार दिया होगा क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। का गिवन होगा भैया? रिलेटिव वेलोसिटी। बात को समझना नितिन, मैं कह रहा हूं, ये बच्ची कह रही है मैं 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही हूं, और मान लो ट्रेडमिल का जो बेल्ट होगा, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं उसको, जिस पे वो दौड़ेगी, तो बेल्ट कहां जाएगा? पीछे। और ये कहां जाएगी? आगे। तो सोचो, ये मान लो, तुम बता लो, कोई डेटा बोल लो, मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है बेल्ट, बताओ। तो बताओ इस गर्ल का स्पीड क्या रहा होगा? क्या 10 है? नहीं। गर्ल का किसके रिस्पेक्ट में? बेल्ट के रिस्पेक्ट में बोल देता हूं, इसको बेल्ट बोल देता हूं। अरे कन्वेयर बेल्ट होता है, बेल्ट बोल देता हूं। गर्ल का किसके रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे? गर्ल माइनस बेल्ट। बोलो। जीवन में हमेशा याद रखना, ये जो अकेला होता है ना, ये किस फ्रेम में होता है? ग्राउंड फ्रेम। किस फ्रेम में होता है? ग्राउंड फ्रेम। गर्ल का कितना है? नहीं पता, वही तो पता करना है। ये 10 नहीं है, ये 10 कितना है? अब इसका ये गिवन आपको कितना? 10। गर्ल का पता करना है, माइनस बेल्ट का पीछे की ओर कितना? अब सोनवा का ही फोन कर रहा है, नीचे बैठे बैठ। क्या हो गया बाबू? माइनस माइनस yes. बोलो यार। तो बताओ गर्ल का कितना हो गया? चमका क्या? मतलब गर्ल की रियल रफ्तार कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकंड। बोलोगे? अरे बोलो यार, गर्ल की कितनी है? 8। अब सोच, अगर मैं इधर ही चला दिया, सही लिखाऊ ना, इसका किधर है? इसने बोला 10, बोलो सही है। गर्ल माइनस ऑफ बेल्ट का कितना लिया था? 2। किधर की ओर? पीछे की ओर। अच्छा, अगर मैं बेल्ट बोलता आगे ही चल रही है तो कितना हो जाता है? समझ गए? तो ये हर बार आपको किसके रिस्पेक्ट में गिवन होता है? जिस पे आप हो उसके रिस्पेक्ट में। जैसे ये स्विमिंग करते करते आपसे कह रहे कि मेरी कितनी स्पीड है, जो भी है 20 मान लो, 50 किलोमीटर पर, तो वो किसके रिस्पेक्ट में आपको गिवन होता है हर बार? ये सारे ही किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? ये सारे किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? किसके रिस्पेक्ट में है? यहां पर किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रेडमिल के रिस्पेक्ट में। ट्रेडमिल के रिस्पेक्ट। ये किसके रिस्पेक्ट में? ये किसके रिस्पेक्ट में? लेकिन डिपेंड कर रहा है कि ये आपसे कैसे बोल रहा है। उस पर चलते चलते बोल रहा है, और ऑब्वियसली बात है उसी पे चल रहा है तो तभी तो बोलेगा। तो ये सब किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो आपको करना क्या है? सिंपल है, बोट का रिवर के। तो क्या लिखोगे? वीवी माइनस वीआर। मैं तो ये भी नहीं करूंगा, तो मुझे बोट का ओरिजिनल रफ्तार क्या मिलेगा बताओ? वीवीआर प्लस वीआर।
ठीक है, अब बताओ ये बोर्ड का कौन से फ्रेम में रफ्तार लेकिन होगा, ये वाला कौन से फ्रेम में होगा, ग्राउंड फ्रेम, ये वाला कौन से फ्रेम में होगा, ग्राउंड। अब इंपॉर्टेंट बातें फॉर वीबी वीआर एंड वीबीआर, यहां से मेन मुद्दा आपका यहीं से, ये कितना है बेटा, अब तुम्हें अभी तो चलो मान लो तुम्हें नहीं पता है, फिर भी मैंने आपको दे दिया है, क्या वीआर के लिए कोई दिक्कत होगा, कभी नहीं हो, आपको बता दिया जाएगा, फंसोगे किस में, वीबी में और वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट यहां से क्या हो गया, वीबीआर प्लस वीआर, चलो बताओ क्या वेक्टर आता है, तो देखो यहां वीबी किसका किसका रिजल्टेंट है, वीबीआर का और वीआर का, बताओ इन तीनों में रिजल्टेंट कौन दिख रहा है तुम्हें, बीच वाला, मतलब ये कौन है, वीबी है, और ये कौन है, वीबीआर, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तुम चले ऐसे थे बट नदी का भी रफ्तार था, तो नदी तुम्हें बहा के कैसे ले जा रही है, ऐसे ले जा रही है, और तभी तुम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाओगे, तुम कहीं यहां पहुंचो, ये आएगा ड्रिफ्ट, बोलोगे क्या, अब मेरी बात को समझो, क्या क्या वीबीआर है, सुनना, जो मेरी चाहत है वो वीबीआर है, ये बोटमैन इधर रो करना चाह रहा था बोट को, क्योंकि डेस्टिनेशन कहां था, यहां, अरे मेरी डेस्टिनेशन यहां है तो मैं इधर ही रो करना चाह रहा था, लेकिन वो नदी की रफ्तार इसको किधर ले गई, इधर ले गई, तो मैं किधर चाह रहा था बोट को रो करना, इसके डायरेक्शन में, बोलो यार, तो क्या लिखोगे, कभी भी सवाल में ऐसे आए, बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, अगर कभी बोले अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ये वीबी है या वीबीआर है, वीबीआर है, वीबी नहीं है, क्या है, वीबीआर, जिधर मैं तैरना चाहता हूं या जिधर मैं नाव चलाना चाहता हूं, तुम्हारी ये चाहत है वो क्या है, वीबीआर है, क्या है, वीबीआर, और जिधर मैं तैरकर पहुंचता हूं, जिधर मैं तैरकर जा रहा हूं वो क्या होता है, वीबी, या तो आप डायरेक्ट बोलो सिंपल, क्या ये लाइन इनिशियल वाली है, बोलो, कभी कभी ये भी कह देता है इनिशियल और फाइनल, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सीधी सी बात, तुम तो आज के बाद अगर फिगर वाला सवाल है डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल, जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको क्या बोलेंगे, वीबी, देखो क्या है, वीबी। दूसरी चीज तुम बताओ, ग्राउंड पर बैठे हो, यहां बैठ गए किनारे पर, तुम्हें कौन सी रफ्तार कैसे जाते दिखेगी, ये बोट कौन से जाते दिखेगी, सीधी सी बात है, वीबी कौन से फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, हाँ अगर तुम पानी में जाके बैठ गए तो वीबीआर, क्योंकि तुम्हारे लिए भी वीआर क्या हो गया, सेम, तो तुम्हें कौन सा दिखेगा, वीबीआर दिखेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, या फिर बोल दे वेलोसिटी ऑफ बोट किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, या ग्राउंड फ्रेम में बोट की ओरिजिनल रफ्तार, तुम बताओ ग्राउंड से बैठ के देखोगे तुम ऐसे दिखेगी, नहीं, कैसे जाते दिखेगा, ऐसे, तो आज के बाद कभी देख लो, फिगर से पता करना है तो इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, वीबी, या फिर आप क्या बोल दोगे, ग्राउंड फ्रेम में बैठकर देख लो
जो आपको रियलिटी में दिखेगा वही क्या होगा, वीबी। वीबीआर क्या है, बोटमैन ट्रैश टू रोहिज बोट। और क्या दे देगा, खूब पूछा जाता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अभी बताए, जब पानी रुका हुआ था, जब पानी, तो तुमसे कह रहा है मैं कितने से दौर स्विमिंग कर सकता हूं या बोट चला सकता हूं, 10 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ क्या वो उसकी ओरिजिनल है? नहीं, वो तो तब बताया है जब पानी क्या हुआ है। और अगर पानी में जो खुद पानी भी चल रहा है उसमें रखोगे तब उसका क्या होगा बताओ? वो तो सिंपल क्या बता रहा था, रिलेटिव स्पीड। क्या बता रहा है? रिलेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कैसा है, वीबीआर। वेलोसिटी ऑफ बोला जाएगा हीट इंजन स्पीड। अगर कभी आपको गिवन हो हीट इंजन स्पीड, सिंपल आप समझ गए ना, हीट इंजन स्पीड तब बताया गया है जब स्टिल वाटर है। लेकिन पानी अगर बहेगा बोलोगे तो हीट इंजन स्पीड की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बताया गया, रिवर के बारे में। तो वो क्या होगा, वीबीआर होगा। वो क्या होगा, वीबीआर। अगर ये चारों गिवन है, ये तीनों इधर गिवन है आपको, वेलोसिटी ऑफ हीट इंजन स्पीड, बोट इन स्टिल वाटर, या बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, ये सब क्या है, वीबीआर। द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड वीबी, या फिर आप समझ लो ग्राउंड फ्रेम में जो रियल रफ्तार होगी वो क्या होगा, वीबी होगा। अब इसमें दूसरी बात है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। रिवर ऐसे बह रही है, इधर है वेलोसिटी ऑफ रिवर, तुम्हारा नाव भी इधर ही चल रहा है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो डाउनस्ट्रीम के वक्त दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, प्लस। क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, तो वीवी प्लस क्या हो जाएगा, वीवी। कुछ तो बोलो यार। अब रिवर तो ऐसे ही चल रही थी, बट ये किधर जा रही है, अपोजिट। तो बताओ अप स्ट्रीम में रिवर तो ऐसे है और ये इधर जा रही है, तो इस बार क्या हो जाएगा, वीबी माइनस। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, वीबी माइनस क्या कर दोगे, वीआर। और इस डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो डायरेक्ट क्या कर दो, प्लस। सेम डायरेक्शन में तो क्या कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कर दो, माइनस। सेम डायरेक्शन में प्लस, रिवर और तुम्हारा बोट, तुम जिधर चला रहे हो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, माइनस। अरे इसमें कुछ तकलीफ है क्या, तुम जिधर चल रहे हो रिवर की भी रफ्तार उधर है, तुम्हारे में क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा और तुम्हारी स्पीड क्या लगेगी, बढ़ जाएगी। तुम जिधर चल रहे हो रिवर उसके क्या है, अपोजिट है। साइकिल चलाते हो यार कितनी बार, हवा तुम्हारे अपोजिट होता है तो तुम्हारी स्पीड क्या कर देता है, कम, तुम्हारा कम हो जाएगी। सवाल को सॉल्व कीजिए। T1 टाइम ले रहा है डाउनस्ट्रीम जाने के लिए और T2 टाइम ले रहा है अपस्ट्रीम जाने के लिए। तो दिस टू पॉइंट्स, व्हाट टाइम इट विल टेक इन स्टिल वाटर टू कवर द डिस्टेंस इक्वल टू AB। आपको T1 और T2 की टर्म्स में आंसर निकालना है। अभी के अभी सॉल्व कीजिए, एक बार हाथ चलेगी, सीधी सी है यार। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, एक बार स्पीड कौन सा वाला, डाउनस्ट्रीम वाला, और एक बार कौन सा, अपस्ट्रीम। चलो बताओ T1 मान लो बेटा, T1 डिस्टेंस दोनों में ही क्या रहेगा, सेम। तो एक बार डिस्टेंस अपॉन, डाउनस्ट्रीम के लिए बोल रहा हूं, डाउनस्ट्रीम के लिए बताओ प्लस हो जाएगा, बोलो यार। तो वीबी प्लस वीआर। अपस्ट्रीम के लिए बोलो T2 डी, तो दोनों के लिए क्या रहेगा, जाते वक्त और आते वक्त, जितना जाना है उतना ही आना है। तो बताओ क्या लिखोगे, T1 T2 को सॉल्व करो, आंसर करो। T1 T2 नेट टाइम हुआ, तो क्या T1 प्लस T2 कुल टाइम कितना हो गया, T, दोनों को जोड़ो देखो दिखेगा, T1 और T2 के टर्म्स में आंसर सही। जल्दी बताओ,
बोलो बेटा। और कितों का आ गया? बिल्कुल सही जवाब है। चलो देखो यहां से क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी आर, बताओ डी अपॉन में टी वन, बोलो यार। और यहां पर वी बी माइनस वी आर क्या हो जाएगा, डी अपॉन में टी टू, इसको वन और इसको टू, क्या ऐड कर दे, ऐड वन एंड टू, जोड़ दो। तो वी बी प्लस वी आर और प्लस वी बी माइनस वी आर, तो वी आर क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बना टू टाइम्स वी बी। अरे यार ये भी नहीं जोड़ पा रहे हैं क्या यार, वी बी माइनस वी आर, और इस साइड क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी वन प्लस डी अपॉन में टी टू, क्या क्या माइनस हो जाएगा, वी आर, तो क्या बन गया टू वी बी बराबर, डी कॉमन ले लूंगा, वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन, बोलो सही है। टी वन टी टू क्या लोगे, एलसीएम, इसको तो देखते ही याद आ गया होगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, आर वन आर टू अपन में आर वन, अरे बोलो यार, बट फिर भी ऐसे लिख लो, तो पहले यहाँ लिखो टी वन टी टू अपॉन में टी वन प्लस, बोलो सही है क्या, इधर क्या है टू टाइम्स वी वी, बोलो। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, टू टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, और वी बी को डी के नीचे लेके चले जाओ। अब बताओ सिंपल, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो कितना है डी, स्पीड कितना होगा बोट का, रियल वाला टाइम, अरे बोलो यार, तो डी अपॉन वी बी को क्या बोल दूं, टी, टोटल जो टाइम होगा वो कितना हो गया टी, तो यहां से देखो इधर लिख दे रहा हूं, तो ये कितना हो गया टी, तो बताओ यहां से कितना आ गया, टी बराबर टू टी वन टी टू अपॉन में टी वन प्लस टी टू। अब देखो, अब मैं सवाल दे देगा वो तुम्हें, जाते वक्त समय लगा 10 घंटे, आते वक्त 20 घंटे, तो बताओ कुल समय कितना लगा, बच्चा क्या करेगा, जाते वक्त 10 आते वक्त, तो 20 10 30, जबकि केस किसका है अपस्ट्रीम और, सॉरी जाते वक्त मैं कह रहा हूं, कितना हो जाएगा टोटल टाइम 10 और 20 का कितना हो जाएगा, तो वो निकालना पड़ेगा। देख लीजिए सवाल, ये किस पर बेस्ड था, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, डायरेक्ट डेटा रखोगे आंसर आ जाएगा, आप में मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन भी है, ठीक है, और उस पर सवाल भी है, आप डायरेक्ट डेटा रखोगे आंसर आ जाएगा। इसको देखो एक सवाल, अभी आपके एनसीईआरटी में सवाल इसलिए करवा रहा हूं, अगर आप एनसीईआरटी पलट कर देखे होंगे, नहीं देखे तो कोई बात ही नहीं। A child runs to and fro with a speed 9 km/h with respect to the belt. ये child दौड़ रहा है कितने से, और अभी बताया था कोई चीज belt है, ये अजीब सा लग रहा है आपको, but ये क्या है बेटा, belt समझते हो, अरे समझ गए क्या, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, ऊपर चलता जाएगा belt, इसको बोलते हैं conveyor बेल्ट। इस पे क्या हो रहा है, ये चाइल्ड कितने से दौड़ रहा है, क्योंकि बेल्ट ऐसे चल रही है कितने से, चार से, और चार से बेल्ट चल रही थी उस पे कौन दौड़ रहा है, चाइल्ड। तुम इसे पूछ रहे हो तुम कितनी स्पीड से दौड़ रहे हो,
तो ये तुमसे कह रहा है 9 किलोमीटर पर आवर। इसकी ओरिजिनल रफ्तार है नहीं, किसके रिस्पेक्ट में? बेल्ट के रिस्पेक्ट। और वो बोल भी दिया इस बार, तो इस बार तो बोल दिया कि मान लेते हैं तुम सब क्या हो, गधे हो। उसने बोल दिया भाई इसकी रफ्तार किसके रिस्पेक्ट में है? ऑन ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग फिगर में जो आपको शो किया, बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट ऑन द मूविंग। यहां से फादर ऑन, ये पूरा कितना है साहब? 50 मीटर। तो आपसे कह रहा है नहीं, दोनों के बीच में ये अलग अलग कितना है? 50 मीटर। समझ गए क्या? आगे देखो, द बेल्ट मूव्स विथ स्पीड कितने से? 4 किलोमीटर। बेल्ट की स्पीड किसके फ्रेम में है? ग्राउंड फ्रेम। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, एक ऑब्जर्वर है यहां पर जो कहां पर है? स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे, बाहर ग्राउंड पर। कहां पर? ग्राउंड पर। तो कह रहा है व्हाट इज द, पहला पार्ट पढ़ो, स्पीड ऑफ द चाइल्ड व्हाइल रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? अप या डाउन? देखो ना यार, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, तो डाउन हो गया ना, प्लस होगा, क्या हो गया? प्लस होगा। तो बताओ कितना हो गया स्पीड पहला पार्ट का, ए पार्ट का? खुद कितने से जा रहा था? बेल्ट की स्पीड 4, और उसकी कितने से है? 9 से। मैं डायरेक्ट लिख दूं, टोटल जो उसकी स्पीड हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा? बेल्ट प्लस चाइल्ड के, क्योंकि कैसा स्ट्रीम है ये? डाउन स्ट्रीम। तो बताओ कितना हो गया? चलो दूसरा बताओ, अगला वाला बताओ, अगला वाला क्या करे? माइनस कर, देखकर सवाल डरावना लगता है, बस बोलो। स्पीड ऑफ द चाइल्ड, स्पीड ऑफ द चाइल्ड व्हाइल रनिंग, तो कितने से जाएगा वो? तो क्या कर दो, माइनस कर दो, बेल्ट में से चाइल्ड को या चाइल्ड में से बेल्ट को? बताओ, सिंपल है, 9 माइनस 4। पिछला देखो, बेल्ट तो इधर ही जा रही, रिवर तो इधर ही जा रही, एक बार तुम इधर चल रहे हो तो वीबी माइनस वीआर, एक बार इधर चल रहे हो, सॉरी इधर तो वीबी प्लस वीआर, और इधर चल रहे हो तो वीबी माइनस वीआर, तो तुम्हारे में से माइनस करो। तो डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, तो चाइल्ड माइनस, तो कितना हो गया रे? 9 माइनस 5 किलोमीटर। अगला केस पढ़ो, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, पहले निकालो। ए में बताओ कितना समय लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, तो बताओ मदर तक जाने में डिस्टेंस कितना? 50। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना निकाले हो? 13। स्पीड तो ये होगा रिलेटिव, 13 को किसमें बदलोगे? मीटर पर सेकंड, 5 × 18। अरे बोलो, अब जो भी है बी वाले में बताओ कितना समय लगेगा आते वक्त वापस? 50। जाते वक्त कितना? 50। आते वक्त कितना? 50। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम में कितना चला? 50। तो 50 अपॉन में एक बार कितना कर दोगे? 5 × 5/18, ये 2 टाइम आ जाएंगे, ये डाउन स्ट्रीम का है और ये अप स्ट्रीम का है।
ये 50 मीटर दोनों के बीच का है ना। अरे बोलो यार, ये 50 मीटर दोनों के बीच का है, और चाइल्ड एक बार यहां से ऐसे जा रहा है और एक बार ऐसे जा रहा है। ये रफ्तार यहां बनाया हुआ है चाइल्ड का, लेकिन चाइल्ड कैसे जा रहा है, फादर से कहां जा रहा है मदर, फिर मदर से कहां आ रहा है फादर के पास। तो 50 आगे 50 पीछे। तो आते वक्त जब ये यहां जा रहा था फादर से मदर के पास तो डाउनस्ट्रीम था, और जब मदर से फादर के पास आ रहा था तो अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के लिए क्या कर दिया माइनस, डाउनस्ट्रीम के लिए क्या कर दिया प्लस। लास्ट एक सवाल पूछा, देखो टाइम तो निकला है, अप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या पूछा है। विच ऑफ द आंसर विल अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। अब तुम कहां बैठोगे, पेरेंट्स पर। तो पेरेंट्स पर ओरिजिनल रफ्तार तुम्हें क्या दिखेगा, चार। अब सुनो, जब पेरेंट्स पे बैठ गए मतलब तुम बेल्ट पे खुद भी आ गए, बेल्ट पे उसकी ओरिजिनल रफ्तार क्या हो जाएगी, 9, क्योंकि तुम कितने से दौड़ रहे होगे, 4 से। अरे बोलो, मुंह मत बनाओ, समझना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है यार। ग्राउंड पर बैठो, 9 से खुद दौड़ रहा है और बेल्ट भी कितने जा रहा है, 4 से, 9 4 कितना होगा 13। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट में क्या होगा, 9 माइनस 4 कितने से दिखेगा, 5 से। लेकिन तुम अभी कहां बैठकर देख रहे थे, ग्राउंड से। आगे पढ़ो क्या करा है। विच ऑफ द आंसर विल अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। कहां बैठे हैं, बेल्ट पर। पेरेंट्स कहां है, तो तुम किस पर बैठोगे, बेल्ट पर। अब बेल्ट की कितनी रफ्तार है, 4, तो तुम्हारी भी कितनी होगी, तो अब तो तुम्हें वो चाइल्ड कितने से दौड़ता दिखेगा, 9 से ही। नहीं आ रहा यार, तो बताओ पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में रियल रफ्तार तो कितनी होगी, 9। तो उसके लिए टाइम क्या लिखा होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो। और दोनों ही पेरेंट्स के लिए अगर उस पर बैठ गए तो रियल टाइम क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि टाइम किस पर डिपेंड नहीं करता है, फ्रेम पर। तो टाइम फॉर, पहले तो ये टाइम फॉर बोथ पेरेंट्स विल रिमेंस सेम। टाइम किसी पे डिपेंड, चाहे कहीं उस फ्रेम में बैठ गए तो, चाहे उस फ्रेम में बैठ जाओ चाहे ग्राउंड फ्रेम। अब बताओ कितना टाइम लगेगा, बैठ गए, डिस्टेंस कितना चला दे, स्पीड कितना ले लिया, सिंपल डिस्टेंस बताओ 50। अब स्पीड कितना ले लोगे, उसको ओरिजिनल रफ्तार कितने थे, 900। कितना रहा है, जो भी आ रहा है, पहले देख लो इस सवाल को एक एक पार्ट, और कोई तकलीफ है तो मुझसे पूछ लो। नाइन को चेंज कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड। ध्यान रख लिया, नाइन को किस में चेंज कर दोगे, 5/18, 18 × 5 = 90, 900/45, तो कितना सेकंड आ गया, 20 सेकंड, जो वो बच्चा कह रहा है। एक एक पार्ट देख लीजिए, पहला पार्ट किसका था, डाउनस्ट्रीम का, लिख दिया सिर्फ वेलोसिटी पर। दूसरा पार्ट किसका था, अपस्ट्रीम का, लिख दिया। पहले पार्ट में भी पूछा है क्या, टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किस में, डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना आया था, 13 लिख दिया। ये क्या क्या हो रहे, कन्वर्ट किया हूँ 5/18 से मीटर पर से। दूसरे पार्ट में क्या था, अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में कितना आया था, 5, इसको भी क्या किया था, कन्वर्ट किया था। अब पूछा अगर मैं पेरेंट्स पे किसी पे बैठ जाऊं, तब बताओ उस बच्चे की के लिए टाइम क्या होगा, अलग। तो दोनों पेरेंट्स के लिए क्या होंगे, सेम, दोनों पेरेंट्स के लिए क्या होंगे, सेम। और टाइम बराबर अब क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बताओ कितना, 50। अब जब तुम बेल्ट पे बैठोगे तो बताओ बेल्ट की खुद की कितनी थी, 4, तो तुम्हारी भी कितनी होगी, 4, तो अब तुम्हें बच्चा सीधे कितने से दौड़ता दिखेगा, 9 से, तो रियल वाला रफ्तार कितना होगा। ये सवाल से डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की अच्छे से कंसेप्चुअलाइज क्लियर हो जाता है इस सवाल से।
अब जाकर कहानी आई है रिवर क्रॉसिंग कंसेप्ट। बोट मैंने गलत बना दिया, चलो कोई बात, बोट मैंने गलत, अब तुम साले कंफ्यूज हो जाओगे। देख मैं एक जनरल केस मान रहा हूं, पहले ये चलना तो मैं जनरल केस मान रहा हूं, मैं बोट को इधर बना रहा हूं, सुनना मेरी बात। देखो ऐसे गए तो यहां पहुंचने के लिए तो तभी पहुंचोगे जब वाटर चल नहीं रहा होगा, किसमें स्टिल वाटर हो, बोलोगे सही, लेकिन रियलिटी में यह है क्या? नहीं, रियलिटी में तो क्या है कि रिवर भी क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा, रिवर भी क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। तो अगर आपने रिवर की रफ्तार दी इधर, कितनी दी रिवर की रफ्तार होती VR, कितनी दी? अब ये है तुम्हारा क्या, तुम बताओ, अगर तुम्हें यहां पहुंचना है तुम ऐसे कूदोगे क्या, ऐसे बोट चलाओगे? नहीं, बोट को कैसे चलाओगे? ऐसे। और इनके बीच में ये एंगल क्या मान लिया बेटा? इस बात को समझो, कंफ्यूज मत हो, वो बोट का साइन इधर बनाना था, वो गलती से इधर बने। अरे तुम्हें नहीं आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं? अरे तुम, अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं यार? तुम ऐसे थोड़ी कूदोगे, ऐसे बोट चलाओगे तो तुम फिर से कहां पहुंचोगे? उधर। तुमने सोचा मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, कहां पहुंचना है? डेस्टिनेशन पे। तो तुम इधर कूदे, मतलब अपनी बोट को ऐसे चलाए, ठीक है? क्या बोट को ऐसे चलाए, ये तुम्हारी बोट है, ऐसे चलाए, ठीक है? अब बात को समझना, क्या जब तुम ऐसे चलाए जरूरी है कि तुम यहां पहुंच जाओगे? बताओ, कौन बताएगा मुझे? मैं कह रहा हूं तुम सोचे मुझे यहां पहुंचना था, रिवर की रफ्तार इधर है, तुम अगर ऐसे गए तुम्हारी रफ्तार को ये इधर कर देगा, बोलो, तब तुम पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन में, ऐसा तुमने सोचा। बट मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं, तुम्हें यहां पहुंचना था, बुद्धि चला के तुम ऐसे गए, बोलो, तो क्या पक्का है कि तुम ऐसे गए तो ऐसे पहुंच जाओगे? पहुंच सकते हो, पहुंचोगे ये जरूरी नहीं। इस बात पर निर्भर करता है कि रिवर के सामने तुम्हारी औकात कितनी है। अगर रिवर की रफ्तार तुम्हारी बोट की रफ्तार से बहुत, तुम डेस्टिनेशन छोड़ो, ऊपर पहुंच जाओगे। गलत कह रहा हूं क्या? मैं इसलिए जनरल केस ले रहा हूं, बहुत टीचर क्या करेगा, दो केस पढ़ाएगा, शॉर्टेस्ट टाइम मिनिमम टाइम खत्म। भाई पहले बुद्धि तो चलाओ, किसकी रफ्तार ज्यादा है, रिवर की या बोट की? फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरी बोट की रफ्तार बहुत ज्यादा है हाँ तो ठीक है, फिर मैं यहां पहुंच सकता हूं, ऐसे चलूंगा तो ऐसे थोड़ा थोड़ा टिल्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, कहां पहुंच जाऊंगा? डेस्टिनेशन। लेकिन सोच अगर रिवर की रफ्तार बहुत ज्यादा हो, किससे? बोट से, तुम तो ऐसे चले थे, क्या तुम अब पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन? नहीं, अब तुम्हें ये खिसका के कहां ले जाएगा? तो वापस तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन से कहीं खिसका देगा, खिसकाएगा कि नहीं? कुछ तो बोल लो यार, प्लीज यार, इस वाले सवाल में बोल लिया करो यार, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार, मैं समझा नहीं पाऊंगा भाई। एक तो ऐसे रिलेटिव है, कॉमन सेंस का है यार। अरे मुझे ये पता है कि मुझे ऐसे चलना था, तो तुम ऐसे चलोगे तभी इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। अगर ऐसे चलेंगे तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, तो वो तो काम का है ही नहीं, तुम सोचे ऐसे चलेंगे। बट मेरा ये सवाल है कि तुम ऐसे चलोगे पहुंच जाओगे का? ये इस बात पे निर्भर करता है कि रिवर की रफ्तार कितनी है। बोलो यार, तो मैं एक जनरल केस ले रहा हूं, मेरे पढ़ाने के बाद किसी का वीडियो देखे तुम मरोगे, पहले ही बता दे रहा हूं, तुम पहले ही बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो छलांग लगा के सीधा यहां आ चुका होगा,
वो ये केस बताएगा ही नहीं तुम्हें, इसलिए ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। वो सिर्फ बताएगा तुम्हें कि तुम ऐसे चले तो यहां पहुंच गए, ये वाला, इसको बोल देगा मिनिमम टाइम वाला केस। जबकि इस बात पर निर्भर करता है कि रफ्तार रिवर की कितनी है। हमेशा तुम ऐसे चलो यहां पहुंच जाओ ये जरूरी नहीं है, आगे जा सकते हो अगर रिवर की रफ्तार बहुत ज्यादा हो तो। मैं जनरल केस ले रहा हूं, कुछ भी हो जाएगा मैं तो देख लूंगा ऐसे के। ये बताओ क्या होगा VBR, बोलो तुम तैरना जिधर चाहते हो वो क्या होता है VBR, क्या होता है VBR। तुम तैरना इधर चाह रहे थे वो तो अलग बात है, तुम्हारा स्पीड ऐसे 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 एंगल घुमाते घुमाते कौन रिवर इधर कर देगा, बोलो सही है? ठीक, बताओ VBR के कितने कंपोनेंट, VBR के दो, अरे दो कंपोनेंट होंगे ना, कौन कौन से बेटा? ये बन जाएगा VBR cos थीटा और ये कंपोनेंट बनेगा इसकी ऐसे तैसे, ये कंपोनेंट क्या बनेगा VBR sin थीटा। पहला टप्पा सुनो, पहला टप्पा कहां गलती हो सकता है सवाल में, गधेरे वो थीटा ये दे देगा, अरे जी थीटा कितना होगा 90 माइनस थीटा, बच्चा रट के बैठ गया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन VBR cos थीटा, अबे खत्म, थीटा पे खेल हो जाएगा। तो क्या रटना है आगे चल के वो मैं बताऊंगा। तो पहले गलती समझ आई, थीटा कहां से अपन लिए हैं वर्टिकल से, वो सवाल में कहां से थीटा दे सकता है यहां से, तो किसी दूसरे का वीडियो देखोगे मुझे पता है कुछ बच्चे देखेंगे तो वो ये VBR cos थीटा। अब नोट्स लेके बैठा, मेरा मास्टर गलत पढ़ा है भैया, वो यहां से थीटा लिया होगा, समझ गया क्या बोल रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज बताओ, ये है ये है, तुम्हारा रियल रफ्तार कौन सा हो गया, ये वाला, बोलो ये क्या हुआ VB, क्या हुआ VB। दो चीज पूछा जाता है, पहला चीज, पहला पहला चीज टाइम बताओ, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर दिख रहा है क्या ब्लैक, अरे दिख रहा है क्या, सुनो पहला सवाल, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर बताओ, ये रिवर की चौड़ाई कितनी मान लो, डी, कितनी मान लो, सिंपल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जरा देखो डिस्टेंस कितना है बेटा, डी, रिवर को क्रॉस कराने में इस VBR का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा, VBR cos थीटा या VBR sin थीटा, VBR, तो टाइम आ गया डी अपॉन में VBR cos थीटा। सवाल में थीटा यहां नहीं, थीटा यहां है, बच्चा रट लिया डी अपॉन VBR cos थीटा, गलत, क्या रटो D के, सुनना दे, VBR का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, खुद सोचो इस नदी के, अरे बोलो यार, रिवर के कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर, या VBR का कौन सा कंपोनेंट, यही वाला हमेशा क्या होगा जिम्मेदार होगा। अब सोच अगर तूने थीटा यहां भी ले लिया तब भी कोई दिक्कत, तू अगर ये रटा है D अपॉन में V का कौन सा कंपोनेंट VBR का परपेंडिकुलर, तो ये भले साइन थीटा हो जाएगा, बोलो यार, बट आंसर क्या आएगा सही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो क्या रटू, डी अपॉन में VBR का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्रॉस कराने में कौन जिम्मेदार था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो रख दिया। दूसरा पार्ट क्या पूछा जाएगा, ड्रिफ्ट, क्या पूछा जाएगा, कितना खिसक गए, कितना, अब बताओ खिसके हो मतलब ये गए हो, अरे बोलो यार, ड्रिफ्ट को मैं एक्स बोल दूं चलेगा, कितना एक्स खिसक गए, बोलो यार बताओ, ड्रिफ्ट लाने में कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, ड्रिफ्ट लाने में कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार, कौन सा, हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहां हॉरिजॉन्टल में कितने रफ्तार है, दो,
एक वी आर और एक वी बी आर, इनका क्या लेना पड़ेगा रिजल्टेंट, तुम फाइनली किधर खिसके, इधर बोलो ना, तो ये बड़ा होगा और ये चमक आ गई, रफ्तार वेलोसिटी की क्या है ज्यादा, तो वी आर में से किसको माइनस करोगे वी बी आर से, नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन है यहां पर कुछ नहीं, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, कौन सा ये वाला टाइम बोलो, लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट एक्स, किसमें एक्स में, वही जिम्मेदार होगा, ऐसे रटो एक्स में जो जिम्मेदार होगा, तुम ये रट लिए फॉर्मूला, फिर से थीटा चेंज हुआ तो ये भी वी आर साइन थीटा की जगह क्या आएगा कॉस थीटा, तुम तो रटो एक्स में जो ड्रिफ्ट आया है तो कौन होगा जिम्मेदार एक्स वाला, तो अब निकालो एक्स में बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा, बोलो इसको मैं और सुंदर बना दूं एक बार, देखो एक बार और सुंदर बना, फाइनल तुम्हारे पास क्या दिखेगा वी बी आर का बेटा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया वी बी आर कॉस थीटा, एक इधर बनेगा वी वी आर बोलो बोलो माइनस वी बी आर साइन थीटा, और इन्हीं दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट होगा कौन वी बी, अब कुछ भी आ जाएगा, देखो बताओ ड्रिफ्ट मिलाने के लिए कौन जिम्मेदार है ये, तो ये रखो बताओ क्या रखूं वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टाइम कितना है डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, तुम्हें फॉर्मूला नहीं रटना है, अरे तुम्हें फॉर्मूला रटना है क्या, नहीं नहीं, तुम्हें क्या रटना है, तुम्हें ये वाला मुद्दा रटना है, ये वाला डी अपॉन वी परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेलोसिटी किसमें एक्स में इनटू टाइम, तुम्हें ये रटना है, पहले बता दे रहा हूं तुम्हें ये रटना है बेटा जी, ये और ये, क्योंकि थीटा तो क्या कर देगा वो चेंज, अब बताओ तुम्हें किसी को कोई तकलीफ है, हमें रिवर को क्रॉस कराने में कौन जिम्मेदार होगा, कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल वाला, कौन सा वाला वर्टिकल, अब साला थीटा कहीं से हो मुझे कोई गेम नहीं करना है, रिवर को क्रॉस कराना है तो ऑब्वियस सी बात है कौन जिम्मेदार होगा वर्टिकल वाला, अच्छा कितना ड्रिफ्ट आया कौन ले जाएगा खिसकाएगा एक्स, कौन खिसकाएगा, तो एक्स में हॉरिजॉन्टल निकालोगे नेट वेलोसिटी आगे किसकी है रिवर की, पीछे किसका था वी बी आर का एक कंपोनेंट, तो नेट किधर जाएगा आगे, तो वी आर माइनस क्या कर दिया वी बी आर, ये तो मैं जनरल निकाल रहा हूं इसलिए घना सा आपको खराब सा दिख रहा है कि वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, लेकिन आपको तो सिंपल रटना है एक्स में कितना खिसके जो वेलोसिटी किसमें आएगा एक्स में इनटू टाइम जो क्या लगा रिवर को क्रॉस कर, टाइम पूछेगा रिवर की चौड़ाई दूरी अपन में क्या लिखेंगे स्पीड, स्पीड कौन सा वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर वाला, अब अगला केस क्या टाइम हो गया है, हट तेरी ऐसी की तैसी, काय का टाइम हो गया 7 मिनट है अभी, देखो जरा इसको शॉर्टेस्ट टाइम, अब बुद्धि चमकाना देखना इधर, ये है थीटा, अच्छा अबोटमेंट राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल 127 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, बताओ थीटा की वैल्यू, आधे तो ऐसे नहीं पड़ गए, अबोटमेंट राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर 37, सिंपल फिर से सुनो, अबोटमेंट एक नाविक ट्राइज टू अपनी बोट को चलाना चाहता है, एक नाविक अपने नाव को चलाना चाहता है, अबोटमेंट ट्राइज टू रो हिज बोट, हिंदी कर रहा हूं भाई साहब आप तो समझ लेना, एट एन एंगल 127 डिग्री एक नाविक अपने नाव को 127 डिग्री से 27 डिग्री पर चलाना चाहता है, कहां से नदी की रफ्तार से, नदी की रफ्तार से कितना एंगल 127, ये कितना हुआ 90, तो ये कितना हुआ 37, ऐसे देगा समझे, अबोटमेंट ट्राइज टू रो हिज बोट विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, कितनी चीज गिवन है 4 चीज, वीवीआर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, अरे तोते उड़ गया भाई, अबोटमेंट ट्राइज टू रो हिज बोट विथ स्पीड मान लो 14 किलोमीटर पर आवर, मैं जिधर चलाना चाहता हूं ये क्या हो गया वीवीआर, पहला इसका मैग्नीट्यूड गिवन हो गया एट एन एंगल ऑफ
127 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, तो ऐसे चलता है ना, यहां से कितना एंगल 127, मतलब VBR ऐसे है 127, ये पूरा क्या होगा 90, 90 में कितना जोड़ोगे? ये डेटा देने का तरीका है, तुमने VBR का मैग्नीट्यूड भी दे दिया और एंगल भी दे दिया, मतलब क्या दे दिया डायरेक्शन, क्या दे दिया डायरेक्शन, चमका बोलो, और VR तुमने इधर बता दिया बोलो, तो ये भी एक वेलोसिटी वेक्टर है, इसकी भी मैग्नीट्यूड अगर गिवन है और क्या दे दिया डायरेक्शन, तो तीसरा वाला सब आ जाएगा। चलो मैं अभी वो आगे बताऊंगा, तुम्हें बस इतना बता रहा हूं, अगर ऐसे बोले तो समझ जाओगे ना एंगल गिवन है, वो कितना एंगल गिवन है 37। अब सोचो और गधा बनाएगा, 90 में 53 जोड़ दो 143, तो बोल देगा विद द फ्लो ऑफ रिवर कितना एंगल 143, मतलब क्या गिवन है 153, कैसे भी दे सकता है। अब सुनो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, ये बेटा कितना हो गया थीटा, बताओ ये VBR दिख रहा है, बताओ ये VBR का कौन सा कंपोनेंट होगा जल्दी इस खटाक से, VBR cos थीटा, और ये वाला VBR sin थीटा, नहीं आ रहा, और ये क्या है VR, ये क्या है बोलो ना, तो बताओ ये क्या होगा VB, क्या होगा रिवर की विड्थ कितनी है, क्या चाहिए टॉपिक देखो शॉर्टेस्ट, सुनना एक बार प्लीज, मिनिमम टाइम चाहिए, टाइम का फॉर्मूला पहले बोलो, वी परपेंडिकुलर रटो, और वी परपेंडिकुलर यहां कितना है वी बी आर कॉस थीटा, गधेरे देखना ये कम चाहिए तो नीचे वाला फैक्टर क्या हो जाए ज्यादा, नहीं आ रहा है, ये कम चाहिए तो नीचे डिवाइड करने वाला क्या हो ज्यादा, बताओ इसमें कौन कॉन्स्टेंट है VBR, बचा कौन कॉस थीटा, थीटा तुम चेंज कर सकते हो, क्या बोट अपनी स्पीड चेंज कर सकता है, नहीं, स्कोडा की मेरी जितनी भी लिमिट होगी 220 है उसकी स्पीड में अब चेंज, अरे हाईएस्ट वाला बात कर रहा हूं, एक लिमिट हो गया ना 220 से ज्यादा जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, ये इसकी लिमिट है एक बोट की, सिप की, हर सिप की क्या होगी एक, हर सिप की क्या होगी एक लिमिट होगी, वो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, लेकिन क्या चेंज कर सकते हो एंगल, बोलोगे तो समझिए VBR cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा किसके लिए, टाइम अगर क्या चाहिए मिनिमम, बोलो ना मैक्सिमम होना पड़ेगा, अरे कुछ तो बोलो यार, अब इसमें क्या मैक्सिमम हो सकता है cos थीटा, थीटा नहीं थीटा, cos थीटा क्या होना चाहिए, cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की 1, कब, अब देखना, हाय थीटा क्या करोगे, थीटा क्या करोगे, मतलब ऐसे चलेगा, और सही बात है, दो के बीच में पैरेलल है, बोलो यार बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता था, तो अगर ये चलेगा इन दोनों के बीच में, अगर ये सीधा ऐसे चले तो टाइम सबसे क्या लगेगा कम, और देखो ऐसे चलने के लिए थीटा क्या करना पड़ता है जीरो, वो सोच के भी आ रहा था, बुद्धि चला के भी आ रहा था कि टाइम कब लगेगा मैं सीधा चल लूं, बोलो यार, और सीधा चलने के लिए थीटा को क्या करना पड़ेगा जीरो, तो जो तुम्हारी चाहत है सब कुछ ऐसे ही चलेगा, बोलोगे तभी जाके काम बनेगा, बोलो, और जैसे ही जीरो करोगे साइन जीरो क्या हो गया जीरो, तो ये तो बचा ही नहीं, अरे बोलो यार तुम सीधा कहां चले जाओगे, तो इसकी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो थीटा क्या होगा जीरो। आज के बाद कभी भी तुमसे बोल दिया जाए शॉर्टेस्ट टाइम है, खुश हो जाओ, डेटा दिया है थीटा कितना है जीरो, अरे यार बच्चा सोच रहा है यार सोलह शॉर्टेस्ट टाइम दिया क्या करें यार, क्या करना है, थीटा गिवन है शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब कैसे जाओगे सीधे, मतलब थीटा कितना दे दिया है जीरो, खून में बसा लीजिए, आज के बाद शॉर्टेस्ट टाइम बोल दिया जाए तो थीटा कितना हो जाएगा जीरो, मतलब खुश हो जाना, क्या दिया है एक डेटा दिया है, क्या दिया है, आज की क्लास में यहां रख रहा हूं।
वापस आते वक्त फिर से एक बार शुरू करूंगा और अच्छे से। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम, अगली क्लास में काइनेमेटिक्स फिनिश आउट, रिवर स्विमर कंप्लीट करूंगा, उसके बाद रेन और, तो अगली क्लास में समाप्त। ओके भैया, एक बार जाके पढ़ लेना यार, एक बार जाके पढ़ लेना यार, वापस मैं फिर से शुरू करूंगा इसको, चिंता मत करना। बाय